प्यारे छात्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साइंस स्किल में। चलिए हम लोग मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 12th क्लास का NCERT से जहां हम लोग पढ़ रहे थे 5.3 एक्सरसाइज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी चैप्टर का, जहां पे हम लोग पढ़ रहे थे 5.3 का एक्सरसाइज 5.3 का थ्योरी चल रहा था। अब उस थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, और इम्प्लिसिट फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। और इम्प्लिसिट फंक्शन के बाद हम लोग ये भी पढ़े थे कि अगर कोई इक्वेशन दिया रहेगा, अगर कोई समीकरण दिया रहेगा, तो उस समीकरण को हम लोग कैसे हल करके डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, dy by dx निकाल सकते हैं। चलिए उसके आगे का एक क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे, अब जरा उसको समझते हैं। चूंकि ये भी एक समीकरण है और ये ऐसे अगर समीकरण दिया हुआ रहेगा तो हम लोग उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के। और इस सवाल को सॉल्यूशन करके आपको जो निकालना है वो डिफरेंशिएशन करना है। इस सवाल को आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो इस सवाल को डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले वही बात लिखेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। हम लोग क्या करने वाले हैं, तो दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो यहां क्या बनेगा, तो d साइन स्क्वायर y बटा dx प्लस यहां बनेगा d cos xy बटा dx, यहां बनेगा d k बटा dx। प्यारे छात्रों, हम लोग x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ करते हैं। हम लोग कल भी पढ़े थे पिछले क्लास में कि अगर कोई भी अगर फंक्शन दिया रहेगा, कोई भी समीकरण दिया रहेगा और फिर हमें डिफरेंशिएशन निकालना रहेगा, तो हम लोग दोनों तरफ बराबर के लेफ्ट साइड बराबर के राइट साइड दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए उसके बाद अगर हमें यहाँ पे आगे काम करना पड़ जाए तो इसको हम लोग कैसे लिखे हैं, तो डी साइन स्क्वायर वाई का मतलब होता है साइन वाई का होल स्क्वायर। अब इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे प्यारे छात्रों, तो डायरेक्ट तो हम लोग डीएक्स के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग चैन रूल पढ़े हैं। क्या होता है कि जिसके पावर रहता है उसके रिस्पेक्ट में करते हैं। तो यहाँ किसके पावर में है, साइन वाई के पावर में है, तो साइन वाई के रिस्पेक्ट में कर दिए। और चूंकि चैन रूल है ना, चैन रूल ये बोलता है कि तब तक इसको ऊपर ले जाओ जब तक नीचे डीएक्स नहीं बचता है। तो ये साइन वाई है, साइन वाई को ऊपर ले जाएंगे तो बचेगा सिर्फ क्या, d साइन y। अब किसके रिस्पेक्ट में, तो साइन के जो बगल में है, तभी ना मेरा साइन का डिफरेंशिएशन कोस होगा। कब, जब ये y है तो नीचे भी y रहना चाहिए, और नीचे वाला dy जब ऊपर जाएगा तो अब dy by dx, यानी कि तब तक करते रहना है डिफरेंशिएशन जब तक कि dy by dx नहीं आ जाता है। आ गया, फिर आगे क्या है, प्लस, तो प्लस ये चूंकि हम लोग इतना जो काम किए हैं सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन करके चैन रूल लगाए हैं, फिर प्लस था प्लस किए हैं। चूंकि यहाँ पे कॉस एक्स वाई है तो प्यारे छात्रों एक्स वाई के रिस्पेक्ट में हमें करना होगा, यानी कि डी कॉस एक्स वाई, यहाँ पे अगर एक्स वाई है तो हमें यहाँ पे लाना होगा एक्स वाई, और इंटू डी एक्स इंटू वाई को अब करेंगे डी एक्स के रिस्पेक्ट में। यानी कि अब कोई सवाल पूछेगा कि सर x और y को डायरेक्ट आप dx के रिस्पेक्ट में क्यों कर दिए, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि यहाँ पे चलेगा u इंटू v वाला केस। u इंटू v का डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े हैं, u को बाहर निकालो, v को डिफरेंशिएशन करो, प्लस v को बाहर करो, u का डिफरेंशिएशन करो। तो हम डायरेक्टली इसको हम लोग एक्स वाई के रिस्पेक्ट में क्यों किए, इसलिए एक्स वाई के रिस्पेक्ट में किए क्योंकि यहाँ कॉस का फार्मूला माइनस साइन होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, वहां पे हम लोग लगा सकते हैं। क्योंकि उसके लिए कंडीशन ये होता है कि कॉस के जो बगल में रहे उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ होना चाहिए। तो हम लोग अपने दिमाग लगाकर यहाँ एक्स वाई लिखे, तो एक्स वाई को ऊपर ले जाएंगे और नीचे डीएक्स लिखेंगे। अब इसका भी हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा, हम जरा दिखाते हैं, अभी वेट कीजिए। और इक्वल का साइन है तो इक्वल का साइन दे दिए, और k का मतलब क्या हुआ, k का मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट बोले तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 कुछ भी, और उसका जो डिफरेंशिएशन होगा प्यारे छात्रों जीरो होता है, क्योंकि हम लोग पहले डिस्कस किए हैं कि कोई भी अगर कांस्टेंट रहता है, कोई भी अगर कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो जीरो होता है।
तो यहाँ पे ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बिल्कुल जीरो, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग जीरो रख देंगे। फिर उसके बाद अगर काम करेंगे तो यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन का रूल है वो लगेगा पावर वाला, अगर कोई भी नंबर रहेगा उसके पावर रहेगा तो पावर को पहले लिखते हैं, तो ये बनेगा टू इंटू साइन वाई, तो साइन वाई आधार लिखते हैं, उसके पावर क्या, तो यहाँ दो है तो डायरेक्ट एक भी लिख सकते हैं नहीं तो छोड़ सकते हैं, तो टू साइन वाई हो गया। फिर इंटू इंटू साइन वाई का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में, साइन का होता है कॉस, तो यहां हो जाएगा कॉस वाई, और इंटू में डीवाई बाई डी एक्स है तो इसको डीवाई बाई डी एक्स ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर प्लस है तो प्लस करेंगे। अब आप प्यारे छात्रों यहां पे समझिए, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है, लेकिन यहां भी एक्स वाई है, यहां भी एक्स वाई है, तो यहां बन जाएगा माइनस साइन एक्स वाई। अब इंटू फिर से देखिए, यहां पे प्लस है क्योंकि ये वाला, और यहां इंटू है मतलब कि चैन रूल। अब जरा बताइए, यहां एक्स इंटू वाई का डिफरेंशिएशन करना है तो ये क्या है, एक्स को मान लीजिए यू और वाई को मान लीजिए भी, तो u इंटू भी का रूल यहां पे आप लगाएंगे, यानी कि कहीं भी आप अपने दिमाग से जरा सोचिए कि कहीं भी डिफरेंशिएशन में अगर गुना वाला है तो वहां पे डायरेक्ट आप लगाएंगे गुना वाला रूल। तो यहां पे गुना है तो गुना वाला बोलता है कि u को बाहर निकालो, तो हमने x को बाहर निकाल दिया, भी का डिफरेंशिएशन करो तो भी का डिफरेंशिएशन कर दिया, भी के जगह पे y है तो y का डिफरेंशिएशन मैंने dy बटा dx। फिर प्लस करो, अब की बार y को बाहर निकालो, तो यहां y को हम बाहर निकालेंगे तो x का डिफरेंशिएशन यानी कि dx बटा dx अब इक्वल टू क्या, जीरो। अब इतना चीज हो गया तो अब चलिए और भी हम लोग काम करते हैं, इसको हम लोग क्यों ना एक फार्मूला पे, क्योंकि साइन टू थीटा का फार्मूला होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है इलेवेंथ का फार्मूला, साइन टू थीटा बराबर टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहां ऑलरेडी टू साइन वाई कॉस वाई है तो डायरेक्टली इसको लिख दिया जाए साइन टू वाई, यानी कि यहां थीटा थीटा है तो हम लोग राइट साइड से लेफ्ट साइड लिख रहे हैं, साइन टू वाई लिख देंगे कितना के जगह पे, इतना के जगह पे टू साइन वाई इंटू कॉस वाई की जगह पे, ये फार्मूला, और इंटू में क्या तो डी वाई बटा डी एक्स। फिर प्लस माइनस कितना होता है, प्लस माइनस तो होता है माइनस, यहां रख दिया साइन एक्स वाई, साइन एक्स वाई, और फिर इंटू चूंकि ब्रैकेट है, ब्रैकेट में क्या होगा तो एक्स तो ठीक ठाक है, जो बाहर है उसको छोड़ते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, और डीवाई बाई डी एक्स तो डीवाई बाई डी एक्स ही रहेगा ना, वो तो डिफरेंशिएशन हो नहीं सकता है, प्लस वाई, और डीएक्स बाई डी एक्स का वैल्यू वन तो वाई को वन से गुना करेंगे तो वही मतलब जीरो। यानी कि अभी तक के हम लोगों को इसको सॉल्व करते करते डीवाई बाई डी एक्स का वैल्यू नहीं आया है, तो चलिए इसके आगे का सॉल्यूशन करते हैं, dy बाई डी एक्स निकालने का प्रयास करते हैं कि हम लोग को कैसे dy बाई डी एक्स मिलेगा। तो इसके बाद अगर काम करें तो यहां पे क्या है, लेफ्ट साइड में जरा देखिए, तो साइन टू वाई डी वाई बटा डी एक्स। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी इसको ब्रैकेट जब रहता है तो साइन एक्स वाई को एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसी को वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल मिलेगा क्या, माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स इंटू डी वाई बटा डी एक्स। माइनस प्लस तो माइनस होता है, फिर से माइनस प्लस क्या, माइनस, अब इसको हम लोग सिर्फ वाई से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा साइन एक्स वाई इंटू वाई इक्वल टू क्या, जीरो। अब जरा बताइए, हमें तो डीवाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है ना, हमें डीवाई बाई डी एक्स का मान निकालना है, तो डीवाई बाई डी एक्स कहां कहां है, इस फंक्शन में डीवाई बाई डी एक्स है, डीवाई बाई डी एक्स इस फंक्शन में है, इसमें तो नहीं है, इसमें डीवाई बाई डी एक्स नहीं है, तो जिसमें डीवाई बाई डी एक्स नहीं है उसको एक साइड, और जिसमें डीवाई बाई डी एक्स है उसको एक साइड, तो ये डीवाई बाई डी एक्स है, इसमें डीवाई बाई डी एक्स है, इसमें डीवाई बाई डी एक्स है, तो इसको एक ही साइड रखना है, और जिसमें डीवाई बाई डी एक्स नहीं है उसको राइट साइड भेजना है,
तो इसको अभी फिलहाल इधर ही छोड़ते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें dy बाई dx है। क्यों dy बाई dx? यही तो फायदेमंद है, यही तो डिफ्रेंसिएशन कहलाएगा, साइन एक्स वाई इंटू एक्स इंटू dy बटा dx, और ये बराबर माइनस में है उधर जाएगा प्लस में, यानी कि साइन एक्स वाई इंटू वाई। अब जरा समझिए, हमें डिफ्रेंसिएशन करना है, डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है dy बटा dx। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अब dy बाई dx को कॉमन करेंगे तभी ना dy बाई dx का वैल्यू निकलेगा। तो यहां से अगर dy बाई dx कॉमन करेंगे दोनों तरफ से, यहां से और यहां से, तो यहां बचेगा क्या, साइन 2y यहां वाला, फिर माइनस यहां बचेगा dy बाई dx, तो हम लोग बाहर कॉमन कर लिए हैं, तो यहां बचेगा x इंटू साइन एक्स वाई, इसको हम पहले भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू बाहर क्या है तो वाई साइन एक्स वाई। अब चूंकि dy बाई dx का वैल्यू निकालना है तो इसलिए dy बाई dx क्या होगा, तो इतना चीज क्या है इधर गुना में है, तो ये हो जाएगा भागा में, मतलब y साइन एक्स वाई डिवाइडेड कितना से, इतना से भागा कर देंगे इधर, यानी कि साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। तो ये प्यारे छात्रों dy बाई dx का आंसर हो गया, यानी कि डिफ्रेंसिएशन हो गया। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो डिफ्रेंसिएशन से आपको डरना नहीं है, बशर्ते आपको करने का हौसला होना चाहिए। अगर आपके पास हौसला है तो आप बिल्कुल सही कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि अगर कोई भी किसी तरीके का अगर समीकरण दिया रहेगा, आप बेहिचक डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएशन का सही रूल नियम को फॉलो कीजिए, और जिधर dy by dx है उसको एक तरफ रखिए, बिना dy by dx को उधर ले जाइए, और dy by dx कॉमन करके, और भाई फिलहाल dy by dx का मान निकाल दीजिए, और जो dy by dx का मान निकलेगा प्यारे छात्रों वही होगा हम लोग का डिफरेंशिएशन का आंसर। यानी कि कोई भी सवाल देकर अगर आपको ये बोले कि डिफरेंशिएशन करो, यानी कि आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आपको किसी तरीके से dy by dx का मान निकालना है। तो पिछले क्लास में हम एक से लेकर के पांच तक के क्वेश्चन भी दिए थे, फिलहाल किसी का बना है किसी का नहीं बना है तो कोई बात नहीं है, जरा हमें थ्योरी को खत्म कर लेने दीजिए, फिर हम एक्सरसाइज पे आएंगे तो आपका हर एक डाउट्स क्लियर हो जाएगा। अब थोड़ा सा बचा हुआ है, चलिए देखते हैं आगे का थ्योरी में हम लोग को क्या पढ़ना है। चलिए तो आगे की हम लोग का जो टॉपिक्स है थ्योरी में भी है, अभी हम लोग थ्योरी ही पढ़ रहे हैं, थ्योरी ही है 5.3 का। तो चलिए आगे का जो थ्योरी में पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ ITF। प्यारे छात्रों हम लोग ITF के बारे में बहुत अच्छा से सीख चुके हैं, क्योंकि ये है 12th का जो सेकंड चैप्टर है जिसमें हम लोग ITF पढ़ते हैं। ITF का मतलब होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसमें हम लोग चूंकि पढ़े हुए हैं तो इसमें हम लोग सीखे हुए हैं कि ये ITF क्या होता है। तो जी हाँ बिल्कुल, ITF में हम लोग यही सीखे हैं कि टोटल 6 तरह का जो ट्रिगोनोमेट्री होता है उसका इनवर्स चढ़ा देते हैं, इनवर्स यानी कि पावर में -1। तो चलिए अब हम लोग जो सीखेंगे, जो फार्मूला यहां पे लिखेंगे, क्योंकि ये फार्मूला है, सभी फार्मूला है किसका, तो डिफरेंशिएशन ITF का, यानी कि टोटल ITF कितने होते हैं, तो यही 6 होते हैं, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, यानी कि यही 6 तरह का टोटल इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। अब यही 6 तरीके का हम लोग को करना है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो अगर हमें डिफरेंशिएशन करना होगा साइन इनवर्स का, तो बिल्कुल आप याद रखिएगा, साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, वो 1√(1 − x²) होता है। प्यारे छात्रों साइन इनवर्स में भी वही ध्यान देंगे, अगर यहाँ एक्स है साइन इनवर्स के अंदर तो उसके नीचे भी एक्स ही होना चाहिए, अगर यहाँ साइन इनवर्स पी रहेगा तो नीचे लिखना पड़ेगा dp, तब जाकर यहाँ फार्मूला होगा 1√(1 − t²)।
तो बिल्कुल ये बहुत इजी है, अगर एक बार अगर इसका वैल्यू देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन अगर याद हो गया 1/√1 − x2, तो कॉस इनवर्स एक्स का भी डिफरेंशिएशन आपको याद हो जाएगा, बस यहां भी लगा दे रहे हैं माइनस। यानी कि साइन इनवर्स कोस इनवर्स दोनों सेम है, दोनों एक साथ याद रखना है, बस करते यहाँ पे 1/√√1 − x2 होता है, तो ये तो होता ही होता है, सिर्फ लगा देना है कोस इनवर्स में माइनस। अब जरा टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, सब में वही एक्स एक्स ही होना चाहिए तभी यहाँ पे एक्स होगा, याद रखिएगा ऊपर नीचे का सेम होना चाहिए। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x2। तीसरा और चौथा बिल्कुल यहां देख रहे हैं, अगर कॉट इनवर्स का रहेगा तो बिल्कुल खाली ऊपर लगा देना है माइनस, −1/1 + x2, ये हो जाता है कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। यानी कि ये सब जितना भी हम लोग फार्मूला देख रहे हैं ये टोटल का टोटल इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। यानी कि टेन इनवर्स और कोट इनवर्स को एक साथ याद रखिएगा, टेन इनवर्स का याद हो गया कि 1/1 + x2, तो कोट इनवर्स का भी याद हो जाएगा, सिर्फ माइनस लगा देना है। तो कुल मिलाकर हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे हम लोग सबका डिफरेंशिएशन का कुछ फार्मूला याद किए हैं, तो ये भी एक तरह का फार्मूला है, किसका, तो ITF का, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि इसका अगर दोनों का सेम है, बस साइन इनवर्स में होता है 1/√√1 − x2, कॉस इनवर्स में होता है माइनस, टेन इनवर्स में होता है 1/1 + x2, कॉट इनवर्स में होता है माइनस। वैसे ही sec इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है उसको कैसे बताना है, तो 1/√√x2 − 1। यानी कि अगर हमसे पूछा जाएगा कि sec इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो sec इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/x बाहर है और फिर √x2 − 1, यानी x2 − 1 का पूरा का रूट और ये x को कर देना है बाहर। अगर हमें cosec इनवर्स का पूछेगा, cosec इनवर्स x का, तो यहां पे लगा देना है माइनस। यानी कि टोटल मिलाकर ये 6 तरह का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका हमें पूरा का पूरा तरीके से इसका फार्मूला याद रखना होगा कि साइन इनवर्स एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होता है, कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, इनवर्स, जी हाँ बिल्कुल इनवर्स, सुन रहे होंगे आप ध्यान से, तो इनवर्स लगाया हुआ है सब में, तो सब में इनवर्स जो लगाया हुआ है तब जाके इसका डिफरेंशिएशन आपको याद रखना होगा। तो टोटल ये 6 है, हालांकि आप अगर ध्यान से अगर देखिएगा तो टोटल 3 है, क्योंकि अगर साइन इनवर्स का याद कर लिए तो ऑलरेडी कॉस इनवर्स का याद हो गया, सिर्फ माइनस लगा देना है। टेन इनवर्स का अगर याद रह गया कि 1/1 + x2, तो कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन अगर जरूरत पड़ेगा वहां लगा देना है माइनस। अगर सेक इनवर्स एक्स का याद हो गया कि 1/x फिर रूट में होता है x2 − 1, तो कॉसेक इनवर्स एक्स का भी आप डिफरेंशिएशन याद कर पाएंगे, यहां तो लगा दीजिएगा माइनस। तो टोटल आप देख पा रहे होंगे ये 6 तरीके का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये फॉर्मूला था और इसको बिल्कुल आप याद कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं आगे का थ्योरी। अभी हम लोग थ्योरी ही पढ़ रहे हैं, अभी इसके पहले पढ़ रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, अब है हम लोग का सम इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन। अब कुछ ऐसे भी सब्स्टिट्यूशन है जो सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। अब आपको एक तरफ लिखा हुआ एक्सप्रेशन है, एक तरफ लिखना है सब्स्टिट्यूशन। अब एक्सप्रेशन का मतलब सवाल में अगर ऐसा कहीं दिखे 2x/1 + x2, तो हम लोग क्या पुट करेंगे, x = tan θ। प्यारे छात्रों ये वाला जो टॉपिक्स है ये सब्स्टिट्यूशन वाला, ये हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी सीख चुके हैं, हालांकि जिन लोगों का वहां पे छूट गया होगा आप इनको इसको बिल्कुल नोट कर लीजिएगा कि अगर 2x/1 + x2 कहीं भी सवाल में एक्सप्रेशन के तौर पे लिखा हुआ रह जाए, एक्सप्रेशन का मतलब ऐसा अगर सवाल में कहीं मिल जाए तो आप x के जगह पे क्या पुट कीजिएगा, tan θ। अगर 3x − x³/1 − 3x³ रहेगा सवाल में, तब हम लोग x के जगह पे क्या पुट करेंगे, tan θ। यानी कि ऐसा सवाल रहेगा कि सवाल में 3x − x³/1 − 3x² दिया रहेगा, तो आप x के जगह पे पुट कर लेंगे tan θ।
अगर सवाल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो इसके जगह पे भी आपको पुट करना होगा x के पावर x बराबर tan थीटा। मतलब अगर सवाल ऐसा रहेगा तो x के जगह पे पुट करना है tan थीटा। अगर दूसरा मैं बोल रहा है कि अगर एक्सप्रेशन ऐसा रहेगा तो आप x के जगह पे tan थीटा पुट कीजिएगा। इसका भी हम बहुत यूज दिखाएंगे। फिलहाल अभी आपको क्या करना है थ्योरी में कि जितना भी फार्मूला दे रहे हैं जितना भी चीजें सिखाई जा रही है आप इसको बेहिचक याद कर लेना है। आपको इसका यूज है जब हम लोग 5.3 का क्वेश्चन को सॉल्यूशन कराएंगे तो इसका बहुत बड़ा यूज रहेगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसके जगह पे क्या पुट करना है प्यारे छात्रों x बराबर tan थीटा। तो ये तीन तरह का सबसे इंपोर्टेंट एक्सप्रेशन थे। चलिए और दो ठो यानी कि टोटल पांच तरह का है, ये दो ठो है और देखते हैं कि दो ठो क्या। तो चलिए आगे देखते हैं। तीन तक के अभी हम लोग देखे थे, टोटल पांच तरह का एक्सप्रेशन है। चौथा एक्सप्रेशन ये बोल रहा है कि अगर 2x रहेगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो हम लोग डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे x बराबर sin थीटा। इसको x बराबर sin थीटा का सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अगर पांचवा एक्सप्रेशन 1 बटा 2x स्क्वायर बट माइनस 1 रहेगा तो हम लोग x के जगह पे क्या पुट करेंगे cos थीटा। तो ये तरह हमें पांच तरह का एक्सप्रेशन था और ये पांच एक्सप्रेशन आपको लिखकर याद कर लेना है। टोटल ये एक्सप्रेशन की संख्या पांच है। इसके पहले हम लोग पढ़े कि इनवर्स का क्या क्या फार्मूला होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यानी कि साइन इनवर्स का, कॉस इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का, ये सब सारा का हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन पढ़ा। और उसके बाद हम लोग पढ़े कि कुछ सब्स्टिट्यूशन का क्या पुट करते हैं। तो आप इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, देन आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अभी तक के हम लोग का जो यहाँ तक की क्लास है वो 5.3 का एनसीईआरटी का 12th का मैथमेटिक्स का पूरा 5.3 का थ्योरी खत्म हो चुका है। अब हम लोग अगले क्लास में अगले वीडियोज में हम लोग 5.3 का पूरा का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो प्यारे छात्रों आप बिल्कुल जुड़े रहिए और एक एक वीडियोस को पूरा सावधानी पूर्वक अच्छे से ध्यान से सुनिए, उसको समझिए, देखिए और अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए और ज्यादा से ज्यादा प्रयास कीजिए। और जहां तक के वक्त दें भले आपका गलती हो लेकिन आपको अथक प्रयास करना है, हमेशा मेहनत करना है, हमेशा कोशिश करना है, क्योंकि हमेशा मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होता है। मानते हैं गलती होगी लेकिन गलती से हम लोगों को अपने से सीखना है। तो इस तरीके से हम लोग का 5.3 तक के पूरा का पूरा थ्योरी खत्म हो गया है। तो चलिए मिलते हैं आप अगले वीडियोस में 5.3 के सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद।